सूर्य ने किया इमली को गिरफ्तार। जी हाँ, सूर्य ने मर्डर के इल्जाम में इमली को गिरफ्तार किया है। सूर्य को लगता है कि इमली ने ही रघु का मर्डर किया है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर थाने ले जा रहा होता है। यहाँ सूर्य किसी से बात करते हुए ये कहता है कि उसने इमली को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और वो उसे जल्द ही उसका गुनाह कबूल भी करवा लेगा। इमली अपनी सफाई देती है, लेकिन सूर्य उसकी बात नहीं मानता। आखिर माने भी क्यों? इमली के हाथ खून से जो रंगे हुए थे। जी हाँ, इमली के हाथ में खून लगा हुआ था, इसलिए सूर्य का शक इमली पे और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इमली को ये पता चलता है कि सूर्य ने बिन्नी से शादी नहीं की है और इमली इस बात को लेकर खुश होती है कि बिन्नी से उसकी फैमिली बच गई। लेकिन दूसरी तरफ खुद को मर्डर के झूठा इल्जाम में फंसा हुआ देख इमली काफी ज्यादा दुखी भी होती है। भाई, इमली को मॉन्टी सिंह का मर्डर के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़ लिया। आई नो, रघु अन्ना को भी यही मारा। वो जल्दी अपना जुर्म भी कन्फेस करेगा। वो सूर्या बैठने के लिए इधर।